तो आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ एक कृष्णा जी की पोर्ट्रेट कैसे बनाएंगे इमेजिन करके। पहले स्टेप है कि यदि आपके पास कैनवास नहीं है तो आप पुरानी कैनवास से कर सकते हो, नहीं तो आप एक हाथ से खुद बना सकते हो एक कैनवास। उस चीज़ को सीखने के लिए आपको मिल जाएगी आई बटन में एक वीडियो। तो ये मेरा एक पुरानी कैनवास है जो कि फंगस थोड़ा हो गया है, ये बारिश में भीग गया था। तो उस चीज़ को कैसे हम क्लीन करके अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं उस चीज़ को देखेंगे। तो ये एक 100 नंबर की सैंड पेपर, तो पहले उसे क्लीन कर दूँगा। एक्चुअली अभी इसके ऊपर टेक्सचर वाइट या जेसो लगाने से अच्छा होता, लेकिन मेरे पास अभी वो चीज़ नहीं है तो मैं अभी ये टिटेनियम वाइट यूज़ कर रहा हूँ। ये ज़्यादा डार्क है ना, इसलिए उसके ऊपर पेंसिल की जो लाइन्स है वो दिखेगी नहीं, थोड़ा उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, नहीं तो कुछ मकसद नहीं है। तो देखिए, जब हम किसी भी ह्यूमन फेस बनाते हैं उसके प्रपोर्शंस क्या है मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। एक्चुअली ये कैनवास है, मैं एक पेपर में जस्ट आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक अंदाज में अप्रोक्सीमेटली ये किया जाता है। तो पहले एक सर्कल बनाए एक एग की शेप में, उसको हम इक्वल डिवाइड करेंगे, मतलब इससे डिस्टेंस जितनी होनी होना है यहाँ से भी डिस्टेंस सेम होनी चाहिए और यहाँ से भी सेम होगी। तो पहले उसके बाद यह सेंटर में कर लेंगे, इसी के सेंटर में ये रहेगा नोज और लिप्स की जो रहती है सेंटर, उसी को ये क्रॉस करते जाएगी। तो इसी लाइन को 5 इक्वल डिवाइड करनी है, ये सेंटर लाइन रह गई, 1 2 ये 3 4 ये 5। तो उसके बाद इसी को खाली रहेगा, इसमें कोई चीज़ नहीं रहेगी, और इसमें आईब्रो रह जाएगी, एक साइड की आईब्रो और इसमें और एक साइड की आईब्रो रह जाएगी। तो उसके बाद उससे नीचे थोड़ा रहेगी आँख, तो उसके बाद ये जो लाइन है ये है नोज लाइन, इसी के पास नोज एंड होगी। एक नॉर्मल एनाटॉमी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ सिर्फ समझने के लिए, एक नॉर्मल पोर्ट्रेट बनाने के लिए, एक कृष्ण की पोर्ट्रेट बनाएंगे इसी के लिए मैं थोड़ा समझा दे रहा हूँ। नोज जो रहेगी इसी लाइन को क्रॉस करते हुए उसकी विड्थ रहेगी और लेंथ इसी के बीच में रहेगी। और कभी कभी ऐसे भी होता है बहुत लोगों की ऐसे भी नोज है जो कि बहुत ये लेंथ बढ़ सकती है, कभी कभी उसकी हाइट बढ़ सकती है, वो थोड़ा चेंज हो सकती है। उसके बाद इसी को जब हम एकदम डिवाइड कर दिए, ये वाला जो थर्ड पार्ट को 1 2 3 ये थर्ड था ना, इसी को जब हम डिवाइड कर देंगे उसकी जो सेंटर मिली उसी के ऊपर से ही माउथ शुरू हो जाएगी, इसी के ऊपर से। और इसको जब फिर दोबारा डिवाइड करेंगे ये अपर लिप और लोअर लिप की सेंटर यहाँ पर रहेगी। माउथ भी थोड़ा चेंज हो सकती है जब कोई भी स्माइल कभी कोई करता है। तो उसके बाद ये जो आईब्रो लाइन और नोज लाइन इसी के बीच में रहेगी ईयर, उसके बाद यहाँ पर उनकी जॉ रहेगी फेस की एंडिंग,
किंतु अभी जो हम कृष्णा की पेंटिंग बनाने जा रहे हैं ये एग्जैक्ट ह्यूमन की एनाटॉमी जैसे नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे सीरियल में, जो भी अभी आपने जो देखते हो टीवी में जो सीरियल्स, उनकी उनकी फेस में दाढ़ी दिखता होगा, आँख में ये शेडो होगी। कृष्णा के एक नॉर्मल फेस, और ये जो हेयर है इससे भी थोड़ा हमें लंबी कर देनी है। और हेयर कट उस प्रकार के एक इंसान की तरह नहीं करना है, बहुत सारी चीज़ इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखनी है। ये है नॉर्मल एक ह्यूमन की एनाटॉमी, और इसके अंदर बहुत सारे भी है चीज़ जानने के लिए, सीखने के लिए। नोज़ की एनाटॉमी अलग है, लिप्स की एनाटॉमी अलग है, आँख की भी प्रोपोर्शन बहुत चेंज होगी। तो ये एक नॉर्मल चीज़ है, एक कृष्णा की पेंटिंग बना रहे हैं उस चीज़ के बारे में मैं अभी थोड़ी सी चीज़ आपको मैं शेयर किया। आप इसके बारे में और सीख सकते हो, पढ़ सकते हो, बहुत सारी आपको किताब मिल जाएगी, नहीं तो मैं आपके साथ भी उस चीज़ शेयर कर सकता हूँ यदि आप बोलोगे तो। और एक चीज़, भगवान कृष्ण की थोड़ा आँख बड़ी होती है और नोज़ थोड़ा पॉइंटेड होती है, और आँख जब आप बनाओगे तभी थोड़ा आपको ऐसा करना है, जो लोटस की पेटल है उसी तरह बनानी है, थोड़ा लंबी मछली की तरह बोलते हैं, मछली आँख ऐसे बोलते हैं ना, वो चीज़ भी यहाँ पर थोड़ा ऐड कर देने। और मेनली एक देखोगे कृष्णा जी के फेस में थोड़ा एक फीमेल की इफेक्ट आती है, मतलब एकदम मेल की बराबर नहीं करना है, एकदम मास्कुलिन नहीं करना है, जो उसकी दाढ़ी निकलती होगी उस तरह नहीं बनानी है, या आईब्रो भी इतनी बड़ी नहीं करनी है, पूरा स्मूथ करनी है फीमेल की तरह। हाँ, मैंने एक चीज़ बोल रहा था आपको पहले कि मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस है आँख में। देखिए यहाँ पर यदि मैं आईब्रो को थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ और स्मूथ करके थोड़ा थिन कर लेता हूँ, वो आपको फीमेल की तरह दिखाई देगी, और उसे यदि मैं मोटा कर देता हूँ ये मेल की तरह दिखाई देगी एक नॉर्मल इंसान में। लेकिन हमें एक स्मूथ करनी है, एक फीमेल की तरह बनानी है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा ख़राब कर दिया, उस चीज़ को हम करेक्ट करेंगे कैनवास के ऊपर। एक नॉर्मल ह्यूमन की एनाटॉमी है। हाँ, यहाँ पर रहेगी नेक, नेक के नीचे में और एनाटॉमी आपके साथ अभी शेयर नहीं कर रहा हूँ, फिर भी आप छोटी सी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर यदि हम चेस्ट बना रहे हैं, यहाँ पर दो हेड रहेगी, यहाँ ऐसे भी नेक, यहाँ से थोड़ा ऊपर की ओर एकदम फ्लैट ऐसे नहीं बना देना है रोबोट की तरह, यहाँ थोड़ा मसल होती है। यहाँ पर हम रख सकते हैं हेयर की जो एक बांध के रखते हैं ना उस चीज़ को कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम नहीं करेंगे, यहाँ पर एक सिंपल सा मुकुट बना लेंगे। मैंने एक पेंटिंग, पुरानी पेंटिंग देखा होगा जो आपको ज़्यादातर पसंद आता है वो, तो उसी प्रकार की मुकुट यहाँ पर बनाएंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा इतनी डिटेल में नहीं बताया आपको, तो इसी के अंदर उस चीज़ को डाल कर देते हैं। देखते हैं क्या क्या ऐड हो सकते हैं। मैंने तो छोटी सी एक 1 square feet में एक कैनवास लिया है, उसको बना के देखते हैं। तो नॉर्मली एक ह्यूमन फेस बनाने के लिए, जैसे कि मैं बोला था, ऐसे लाइन खींच देना है सेंटर से, उसके बाद उसे डिवाइड कर देनी है, यहाँ पर 5 equal division करके उनकी आँख निकाल देनी है।
कृष्णा पेंटिंग बन के एकदम तैयार है। पेंटिंग ये है और इसके अंदर जितने भी काम होना था वो सारे कंप्लीट हो चुका है। और ये था सिर्फ ड्राइंग की वीडियो जिसके अंदर मैंने कलर के बारे में बिल्कुल बात नहीं किया है। और एक पोर्ट्रेट कैसे बनाएंगे और इमेजिन करके उस चीज़ के बारे में एक सिंपल वे में आपके साथ शेयर करने की कोशिश किया है। ये ज़्यादा डिटेल नहीं था, बिल्कुल कुछ भी नहीं था पेंटिंग को समझने के लिए या पेंटिंग बनाने के लिए, ये कुछ भी नहीं है। ये सिंपल में एक छोटी सी स्टेप है सिर्फ पोर्ट्रेट के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा इस पेंटिंग को मैंने कैसे बनाया और कलर कैसे अप्लाई किया है, कौन सी कलर कैसे कहां पर कौन सी ब्रश है, वो सारी चीज़ नेक्स्ट वीडियो में देखोगे आप। तो ये देख लेना ड्राइंग मैंने कैसे बनाया है एक इमेजिन करके। मेन चीज़ ये कि जब हम कुछ पोर्ट्रेट बना रहे हैं ना, एक इमेजिन करके सच में बना सकते हैं, बहुत अच्छी तरह बना सकते हैं, उसमें एनाटॉमी सीखना है। तो उस चीज़ को आगे आपके साथ शेयर करते रहूँगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज कुछ चीज़ आपको यदि सीखने को मिला है नई चीज़ तो मेरे साथ वो ज़रूर शेयर करना, उसमें से मेरे को सीखने को मिलेगा। एक्चुअली कुछ आपकी मदद हो रही है, आप कुछ सीख रहे हो, क्योंकि आप यदि कुछ नहीं बोलोगे ना मेरे को समझ में नहीं आता है, मैं ऐसे ही जैसे कर रहा था वीडियो उसी तरह ही अपलोड करते रहूँगा। और जिसके अंदर कुछ भी मैंने लिखता भी नहीं था उसमें, कलर्स क्या अप्लाई किया, क्यों अप्लाई किया, उस चीज़ के बारे में डिटेल में मैं नहीं बताता था, सिर्फ स्किप करके जोड़ जोड़ के वीडियो ऐड कर देता था। लेकिन यदि आप कुछ बताओगे, जब आपने बताना शुरू किया कि हम कुछ सीख रहे हैं, नई चीज़ सीख रहे हैं, आप इसी तरह वीडियो बनाते रहे, तब मेरे को कुछ सीखने को मिलेगा, उसी से मैं वीडियो बनाते रहूँगा एक सीरियसली, नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो ज़रूर बताना इसलिए। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।